हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। तो आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो जो है और स्वस्थ मस्त ही रहना, अपने घर परिवार में जहाँ भी रहना अच्छे रहना। तो पीछे आप लोग देख रहे हैं कि भैया भाभी के सपनों का महल घर है, और ये समझ लीजिए सपनों का ही महल है, क्योंकि घर बनाना आज के डेट में या लड़की का शादी करना दोनों टेंशन सेम ही है। छत पे झोपड़ा होना बहुत जरूरी है, और किसी के घर में अगर सयानी लड़की हो तो उसकी शादी। तो भाभी के हमारे सपनों का, भैया भाभी के सपनों का महल तैयार हो गया, अभी इनकम्प्लीट है। बहरहाल छत लद गया तो समझ लीजिए धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और भैया भाभी अभी जो है कहीं जा रहे हैं शूटिंग पे काम के लिए निकल। अब लगातार 27 तारीख को एनिवर्सरी है तो रोज़ कुछ ना कुछ काम रहेगा ही, और कंटिन्यू काम के लिए निकलना ही रहेगा। तो यह है कि हम लोग दिन भर खूब मस्ती करने वाले हैं खूब, और इधर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या कहा जाता है, मतलब बहुत क्यूट, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बताएं शब्द नहीं है। और आप लोगों को बार बार बताते हैं कि हमसे मिलने वाले, हमें सुझाव देने वाले, हमें कुछ बताने वाले यूट्यूब के बारे में कौशल भैया ही है सबसे पहले इंसान, और जो कि हम फर्स्ट डे से बता रहे हैं, और जो कि इनसे इनके साथ मिलके इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रह करके। और बहुत लंबी फैमिली भी नहीं है यहाँ पर, जान ही रहे, बहुत छोटी फैमिली, देखिए सब लोग बरामदे में बैठे हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं। तो इधर भैया हैं जो कि रेडी हो गए हैं, और इनसे हम बहुत नाराज हैं। हम कहे शर्ट दे दीजिए प्रेस करने, ऐसे ही जाएंगे, हम कहे दे दीजिए 100 रुपया, 100 रुपया ना चाहिए सर। दोस्तों बताइए, दोस्तों हमारे घर प्रेस खरीदे हुए लगभग 2 साल हो गए, 2-1.5 साल हो गया, और अभी तक कोई कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, उससे ला के रखा गया बस है। और एक व्हाइट शर्ट खरीदे थे, उसी को प्रेस करने के लिए खरीदा गया था, तो ना व्हाइट शर्ट रहा ना प्रेस खो रहा है। दोस्तों क्या है कि भाभी को टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब हम यूट्यूब संभालना, बाबू को संभालना, सब इधर उधर। देखिए पहले जब बाबू नहीं था तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे कमाते थे, लेकिन हाँ, जब बाबू हो गया ध्यान थोड़ा बढ़ गया, समय काम एकदम कम हो गया है हाँ, चैनल पे। अब ज्यादा समय देखिए हम लोग उठते हैं, मान लीजिए 8 बजे उठते हैं हाँ, क्योंकि सवेरे कह नहीं सकते, लेट हो जाता हाँ, है 8 बजे उठेंगे, 3 घंटा खाना दाना खाओ सब हाँ, 12 बज गया ऐसे ही 3 घंटा, फिर तैयार होको हाँ, शाम हो जाता है, 10 वीडियो बना, फिर खाओ, फिर खाना बनाओ, सो जाओ हाँ। तो यही सब शेड्यूल है दोस्तों, लेकिन अब हम लोग हैं, अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाभी फटाफट रेडी हो जाए और वो वीडियो हाँ एकदम बनाए, ताकि वो आगे बढ़े तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे चले सैनिक बन के, सब कोई बढ़िया से एकदम काम करे। देखिए जितना सवेरे सब तैयार रहेंगे तो अच्छा खासा वीडियो बनेगा, फिर स्टोरी शूट करने के बाद फिर हम लोग अपना मौज मस्ती मोबाइल हाँ आराम से आदमी करेगा। तो दोस्तों यही स्टोरी जब शूट किया जाएगा हाँ, उससे आपका भी फेस वैल्यू बनेगा हाँ, कि आपको जो रोल मिलेगा उसमें धीरे धीरे आपको लोग जानेंगे, जब लोग आपको लोग जानेंगे तो आपको ब्लॉग वीडियो चलेगा हाँ। और दोस्तों भैया ये बात सही कह रहे हैं, और भैया शुरू समझा रहे हैं, सब लोग अच्छे से मेहनत से करो, कल हम लोग आए तभी कहे सुबह जल्दी खाना बनाओ, जल्दी तैयार हो, यहाँ आने के लिए जब से मैंने बताए इतना मैसेज, इतना कॉल, इतना फोन आ रहा है, क्या बताएं, लेकिन कैसे चूज करें कि कौन सही है कौन गलत है, चेहरे से तो सभी गोरे होते हैं, दिल से गोरे हैं कि नहीं है ये जानना जरूरी होता है, तो बस बहुत मुश्किल होता है इतने लोगों में चुनना, सही बात है हाँ। किसी के बेटी बहन को अपने पास रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि महिलाएं अगर बिगड़ गई तो कुछ हमारे पर आरोप लगेगा, फलानवा की यहाँ गई बिगड़ गई, बिगाड़ दिया, ऐसे कर दिया, अपने मन की हो गई, ये हो गया हो गया। और इधर देखिए हमारा लल्ला है जो सबसे पहले रेडी हो गया है, एक कार्टून एकदम जनरेटर है चलता फिरता, देखिए अब बोलता है, कहता मम्मा पापा, कहते मम्मा का मम्मा मम्मा कहते मांगला बहुत चलाक है बाबू जान, दा बेटा। तो बाबू हमारा रेडी हो गया है, और इनको निकलना है राजा बेटा को, अभी ये भी जाएगा मेरा लड्डू इस शूटिंग पे, और इधर भाभी भी आधा अधूरा रेडी हुई है, नहीं दोस्तों बस ऐसे ही निकल जाएंगे, साड़ी नहीं पहनेंगी, नहीं स्टोरी शूट कर, अच्छा तो मतलब फोटो खींच के तब उसको बनाएंगे हाँ, थंबनेल हाँ। भैया उसी में खींचा जाएगा, उसी में से मंटू बता, तब अब आप लोग जाएंगे तो कितने बजे आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं आने ही नहीं देते, चुंबक की तरह चिपका लेते हैं, जबरदस्ती ठुसवाते हैं पहले खाना,
ये तो बात है, अगर खा के जाएंगे तो जबरदस्ती ठुसवाएंगे लो हम बनैले बड़ी खा ऐसे आ नहीं पा जा रहे अब बिना रात किए वहाँ से आ नहीं पाते। कहते बस 5 मिनट के लिए आइए, बस 5 मिनट से कब दिन बीत जाता पता नहीं चलता। रात कर देते हैं और आपको खाना दाना बना खिया के 8 बजे देते हैं। और इधर इधर जो है हम लोग अभी खाना होना कोई नहीं खाया है, न भैया खाए हैं न भाभी खाए, कोई नहीं खाया, खाना बनकर रेडी है। हाँ ये बात सही। तो दोस्तों अभी देखिए भैया भाभी जा रहे हैं शूटिंग पर, जो कि जो है अब शाम को आएंगे, और बाबू भी जा रहा, बाबू को देखिए कैसे चिपका हुआ है। और तो बाबू मम्मा से सोचा कि मम्मा नहीं लेकर जाएंगे तो लोने लगा मेरा सोना मोना। अब जा रहे हैं यहीं पर, अब भैया भाभी जा रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं अपना सारा काम फिनिश करेंगे। हाँ, और तैयार व्यार हो करके वीडियो बनाएंगे। हाँ, सब कुछ एकदम डन, सब लोग डन और चलते हैं। और भैया भाभी जा रहे हैं, हम लोग चलेंगे अपना काम हम करेंगे। भैया भाभी निकल चुके हैं और हमारे टीम में इतने लोग बचे हैं, हम लोग दीदी सबराम और प्रिया, इतने लोग हम लोग बचे हुए। हम लोग आज आजादी मनाएंगे, आज हम लोग आजाद है, सब लोग इधर आज गर्ल गैंग जो है आतंक बचाएगी, है ना, आज मौज करेंगे, मौज करेंगे, बजाएगा, इतना बजाएगा। हम लोग अभी पहले काम करेंगे, प्यार वार करेंगे ना। ओ माय गॉड, किसी पर ली गंदी, बहुत गंदी है दोस्तों। हम लोग पूरा काम पहले खत्म करेंगे, इसके बाद बैठ के गपशप करेंगे, काम भी जरूरी है। तो चल रहे खाना खाएंगे, 10 बज गए, 11 बज गए दीदी, 11 बज गया। तो अभी चल रहे हम लोग खाना वाना खा पी लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को वीडियो बने रहिए, दिखाते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, देखिए अभी, हाँ देखिए दोस्तों अभी देखिए हम झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं, बर्तन वर्तन बाहर हो गया है। अभी देखिए मंटू दीदी गैस वैस पोछी है इधर, अभी पोछा लगा रही हैं। दोस्तों हम लोग फटाफट काम करके और जल्दी जल्दी नहा धो करके वीडियो बनाना है, और आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कल मेहमान वेहमान थोड़ा ज्यादा थे, आने जाने में लेट हो गया है, लेकिन कल हम लोग और सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एनिवर्सरी में काम ज्यादा बढ़ने वाला है, मेहमान भी रोज आते रहेंगे, तो टाइम से अगर नहीं जगेंगे तो वीडियो सही से चैनल पे पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए मेहनत खूब करना है, मन लगा के काम करना है बस। अच्छा मंटू दीदी ये बताइए, पोछा लगाने में आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। किसको किसको पोछा लगाने में मजा आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसको भी अपने घर में पोछा लगवाना हो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं मंटू दीदी जाएंगी आपके घर में पोछा लगाने, किसी को भेजूंगी, क्योंकि आपको अच्छा लगता है ना पोछा लगाने में। क्यों, अभी जिसका घर बड़ा होगा बताइएगा भाई, हम भेज देंगे, मंटू दीदी फ्री में पोछा लगाती हैं। 3-4 लड़कियां ही बचे हैं, भैया भाभी शूटिंग पर गए तो हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय, काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए भैया भाभी का बेड सब कुछ सही हो गया, इधर पे सही वही करके, इधर देखिए सब, इधर मंटू दीदी अच्छे से गैस वैस सब पोछ दी हैं, पोछा भी अच्छे से ही लगा रही हैं, सूख जाएगा दीदी। हाँ, सब चौकी के अंदर एक साइड घुस गए, एक साइड स्टैंड रखा हुआ है, तो अच्छा नहीं हाँ, तो कहाँ लगा पाएंगी वहाँ पे, लगाइए अच्छे से, मन लगा के यहाँ सब कुछ लगा दीजिए, यहाँ भी वहाँ लगेगा। हाँ ठीक है, देख लीजिए मंटू दीदी की सबसे खास फ्रेंड इधर है, बर्तन धुल रही है, और ये जो है बुआ है, आप बर्तन धुल रही है बुआ, धुल लीजिए मंटू, क्या हम नाम भूल गए यार, सबनम को देखिए माज रही है अच्छे से बर्तन को, और बुआ जी धुल रही हैं। सबनम का दोस्त है ये, आप लोग को कैसा लगे बताइएगा, ये सबनम का दोस्त है। आज घर बहुत सूना सूना लग रहा है, क्योंकि बाबू भी नहीं है, भैया भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, सब लोग गए हैं शूटिंग पे। अभी देखिए पोछा लग गया मंटू दीदी, अभी बाहर लगाना, पानी बदल रहे हैं, पानी बदल रही है, गंदा हो गया है, चलिए ठीक है बाहर लगा दीजिए, जा रही पानी लेने, पतली है। हाँ मैं पतली हूँ, आप देखिए इतनी मोटी, आपका दोस्त इधर बैठा है दीदी, इसको भी दिखा दे, वो तो भाग रहा है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो कहीं पर स्टॉप करेंगे, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉगिंग कैसा लगता है, क्या अच्छा लगता है मैं इसी तरह से ब्लॉगिंग करूं, और जो है बहुत हम लोग इंजॉय किए, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए मुझे, और जो भी कमियां हो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप लोग बताएंगे तो हम उसे सुधार ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।